अच्छा आगे आ जाओ, आगे 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 आगे। पुलिस हमारे साथ है, पुलिस को आगे करता है। नमस्कार, मैं अबरारुल रहमानी। आज हम पहुंचे YMCA यूनिवर्सिटी और यहाँ पे जो स्टूडेंट का प्रदर्शन है वो किस कदर भयानक है वो आप देख सकते हैं। इनकी क्या मांग है, किस वजह से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, हम इनसे ही जानते हैं इनकी ज़ुबानी। क्या नाम हो आपका? सर, हमारी बहुत छोटी सी और सिंपल सी मांग है। इन्होंने जो क्लासेज ली हैं अब तक जितनी भी क्लासेज हुई हैं सारी इन्होंने ऑनलाइन ली हैं, सारी क्लासेज ऑनलाइन हुई। इन्होंने नोटिस निकाल दिया सॉफ्ट टर्म पे 2 दिन पहले कि अब एग्ज़ाम होंगे ऑफलाइन। जब इन्होंने क्लासेज लिए ऑनलाइन तो एग्ज़ाम ऑफलाइन क्यों, जबकि सारे जितने भी कॉलेज है, जितने भी और यूनिवर्सिटी है उनमें सब में ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, क्यों उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई भी कराई है। तो ये अब एंड टाइम पे अपना तुगल की फरमान निकाल रहे हैं और बच्चों पे थोप रहे हैं सारे कॉलेज वाले। और VC है नहीं यहाँ पर, जब कॉलेज है तो VC क्यों नहीं यहाँ पर? आने के लिए तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं है बच्चों से। क्या अब तक आप लोगों ने क्या किया है, इस बारे में कुछ बातचीत हुई? पहले इंटरनल कॉलेज के बिहाफ में बात हुई, बच्चों ने VC से मिलने की कोशिश करी, मेलबाजी करी, बहुत सारी चीज़ करी, पर कॉलेज ने साफ मना कर दिया। 22 तारीख का टाइम दिया था, 22 तारीख तक हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन अब कुछ नहीं हुआ। या तो पहले क्लास ऑफलाइन देते तो ऑफलाइन एग्ज़ाम देने को तैयार हैं सारे बच्चे, अगर इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस दी हैं तो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन दें। बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई है, अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, और ऑनलाइन एग्ज़ाम कर इस बात की जानकारी आपको कब मिली? इस बात की जानकारी 17 तारीख को मिली हमें। 17 तारीख से VC सर मिल नहीं रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं आपका? 17 तारीख से हम VC सर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सर मिल ही नहीं रहे। हम रोज़ कल रोज़ आ रहे हैं, आज भी आए, आज भी सर नहीं मिले। आज सर ने खुद बोला था कि 22 तारीख को मैं मिलूंगा, आज भी सर नहीं आए, आज भी नहीं मिले। मैं BTech 4th ईयर में पढ़ता हूँ, सारी क्लासेस हमारी ऑनलाइन हुई है सारी। अब 5 दिन पहले हम एकदम से कैसे प्रिपेयर हो जाएंगे ऑफलाइन के लिए? हमारे में न्यूमेरिकल्स होते हैं सारी, ये चीज़ प्रैक्टिसेस हम कैसे करेंगे अपने? आप लोग कौन से? हाँ जी, कौन से? BTech मैकेनिकल। हम BTech मैकेनिकल रावल इंस्टीट्यूशन से हैं, एफिलेटेड हमारा YMCA से है। हम YMCA के बाहर आके खड़े हैं, 17 तारीख से हम रोज आ रहे हैं यहाँ, कोई सुनवाई नहीं है सर, कोई सुनवाई। तो कितने स्टूडेंट, मतलब कौन कौन सी फैकल्टी के स्टूडेंट आपके साथ? ओनली YMCA जो फैकल्टी स्टूडेंट है, और बाकी YMCA के बच्चे जिसके भी YMCA से पेपर है। MET हो गया सर, और सारे कॉलेजेस हो गए, सारे ऑनलाइन हो रहे हैं। सारे स्टूडेंट से पहले पूछा गया है, उनसे परमिशन ली गई है कि ऑफलाइन ले ऑनलाइन ले। इसने तानाशाही चलाई है, कोई परमिशन नहीं ली, अपने आप ऑनलाइन कर दिया किसी से किसी। फिर अभी तक जहां लॉकडाउन का मामला चल रहा है तो स्टूडेंट से फीडबैक लिया जा रहा है, आप लोगों से कोई फीडबैक लिया गया? कोई फीडबैक नहीं लिया सर। बाहर के बच्चे हमारे कॉलेज में रोज कंप्लेंट कर रहे हैं कि हम कहीं झारखंड में, कहीं बिहार में, उन्होंने किसी ने कोरोना डोज नहीं लिया, किसी ने एक लिया है, किसी ने 2 लिया है, कोई सेफ्टी प्रिकॉशन सर है ही नहीं। एग्जाम की डेट कब किया? एग्जाम की डेट सर 14th दिसंबर, उसके पहले प्रैक्टिकल्स हैं, उनकी टिकट नहीं मिल रही कुछ की। कंप्लेंट करा है कॉलेज में भी, सर बोल रहे हैं, सारे लोग फैकल्टी बोल रहे हैं, अपना देख लीजिए खुद। प्रदर्शन कब से कर रहे हैं आप? 17 तारीख से। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है सर, कोई सुनवाई। किसी से बात हुई है? आते हैं, बोलते हैं ठीक है हम बात करते हैं। सर किससे? हम यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, अब ये लोग किससे बात करेंगे? सर हमारे से ये कहा जाता है कि आप हरियाणा सरकार से बात करो, आप गवर्नर के पास जाओ। अब यहाँ से बच्चे गवर्नर के पास कैसे जाएंगे ये बताओ? अभी रजिस्ट्रार साहब आए, उन्होंने हमसे कहा कि आप गवर्नर को लेटर दो। सर हम गवर्नर को कैसे दे सकते हैं? हमारे सर्वे सर्वा आप हो, हम आपको बोल देंगे, आप हमारी बात वहाँ पे कन्वर्ट करो। यूनिवर्सिटी के पास क्या इतना वो नहीं है कि वो अपने बच्चों का भला नहीं सोच सकती? यूनिवर्सिटी कह रही है कि हमें यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर के पास। यूनिवर्सिटी हमारे से ये कह रही है कि सर हम सरकार के दबाव में कर रहे हैं। अरे सर आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है, आपके पास बच्चे रखने की जगह नहीं है, आपने अभी तक ऑनलाइन एग्जाम किए हैं, अब आप 10 दिन ऑफलाइन क्लासेस लगा के ऑफलाइन एग्जाम लेने की कैसे कह सकते हो? एक सवाल है आपसे कि आसपास के जो हरियाणा के यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एग्जाम किस मोड में हो रहे हैं? उनले एग्जाम आधो के नोटिस नहीं आए हैं, जिनके अभी हो रहे हैं हमारे साथ, जिनके हो रहे हैं उनके ऑनलाइन हो रहे हैं। NIT कुरुक्षेत्र है, ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं।
ये दिल्ली की जो आईआईटी दिल्ली पूरे हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी है बीटेक के लिए, आईआईटी दिल्ली, उसमें ऑफलाइन एग्जाम हो रहे हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों के जिनने ऑफलाइन ली थी, जिनने ऑनलाइन क्लासेस लिए उनके ऑनलाइन ही एग्जाम हो रहे हैं। तो ये चीज़ें वाईएमसीए क्यों नहीं समझ रहा? वाईएमसीए भी हरियाणा का टॉप कॉलेज है, हरियाणा में इसका अच्छी रेपुटेड कॉलेज है। ये कह रहे हैं कि आप इसलिए कह रहे हो कि आप चीट कर ले। अरे सर, यहाँ पे जो टॉप बच्चे आ रहे हैं वो हैं, वो चीट करने वाले बच्चे नहीं हैं। यहाँ पे जो टॉप बच्चे पढ़ते हैं ना हरियाणा के, वो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आप ऐसे कैसे कह सकते हो चीट करने के लिए? बात ये है, पीडीएफ से पढ़ के पास हो सकते हैं, पीडीएफ से पढ़ के टॉप नहीं किया जाता, ना अच्छे नंबर आ सकते। हमारे से पीडीएफ दे रखे हैं, टीचर्स के नोट्स दे रखे हैं, वो पढ़ के टॉप नहीं किया जाएगा, ना अच्छे मार्क्स आएंगे। 23 नंबर लेके अगर पास होना है तो हम दे देंगे। आप किस फैकल्टी? हम बीटेक से हैं जी। बीटेक से? हाँ जी। क्या नाम हो आपका? विवेक। ये जो मामला है, तो आप लोगों ने अभी तक किस तरीके से पहल की है इस मामले को हल करने? इसकी पहल स्टार्ट हो गई थी आज से 10 दिन पहले, जब इन्होंने नोटिस निकाला था। हमने पहले अपने टीचरों से बात करी, टीचरों ने मना कर दी। डिपार्टमेंट से बात करी, डिपार्टमेंट ने मना कर दिया। हर यहाँ पे जितने डिपार्टमेंट हैं उनके एचओडी को 200 लेटर दिए हैं, एप्लीकेशन लेटर हर एक स्टूडेंट के नाम से। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वीसी को भेजा लेटर, कोई जवाब नहीं आया। रजिस्ट्रार को भेजा लेटर, कोई जवाब नहीं आया। कल मैडम आगे कहती है कि अगर ऑनलाइन हम पढ़ाएंगे, ऑनलाइन ही आपका एग्जाम होगा ऑफलाइन, चाहे आप कैसे भी करके दो, ये कोई मतलब बनता है? स्टूडेंट यूनियन है आपके इस यूनिवर्सिटी? वो स्टूडेंट यूनियन टीचरों की है। एनएबी की टीम आई थी, उनको एक स्टूडेंट यूनियन दिखाना था। उन्होंने अपने जो उनकी बात सुने, जो बच्चों की बात सुने वो नहीं, जो टीचरों की बात सुने वो बच्चे खड़े कर दिए, उनको दिखा दिया, खत्म। जो यहाँ का स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है वो बाहर तक नहीं आया अब तक, वो अंदर बैठा है। स्टूडेंट यूनियन आपके पक्ष में नहीं है? नहीं, वो हमेशा टीचरों के पक्ष में रहता हर चीज़ में। हमारा बजट का हो, हमारा कॉलेज स्पोर्ट्स का हो, हमारे किसी भी चीज़ का हो, वो हमेशा टीचरों के साइड रहेगा। वो स्टूडेंट यूनियन बस नाम का है, कोई स्टूडेंट की नहीं सुनता वो। अगर होता तो एक बंदा भी होता ना यहाँ पे खड़ा, कोई नहीं है। इसमें आपके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के कोई लोग नहीं शामिल? यूनियन का कोई भी नहीं है, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, फोर्थ ईयर वाले हैं। मैं खुद इसी यूनिवर्सिटी का हूँ। रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पे नहीं है, यूनिवर्सिटी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ही नहीं है यहाँ पे। बताओ, प्रेसिडेंट बच्चों का होता है, प्रेसिडेंट यहाँ पे नहीं है। क्या फायदा है फिर प्रेसिडेंट बनाने का? टीचर्स ने प्रेसिडेंट बना दिया, वो अंदर ही बैठे हैं, वो अभी तक नहीं आए। उनके पास फोन कर रहे, फोन नहीं उठा रहे, व्हाट्सएप मैसेज कर रहे, वो सीन नहीं कर रहे, कह रहे मीटिंग में बैठा हूँ। अरे भाई, कौन सी मीटिंग? और यहाँ पे वीसी सर को, यहाँ पे टीचरों को पहले बता दिया गया था कि आप एक्शन ले लो, नहीं तो आज की डेट 22 तारीख को हम एक्शन लेंगे। आपने वार्निंग दे रखी? वार्निंग दे रखी है, जो लेटर लिखा था हमने वो वार्निंग ही थी। वार्निंग दी थी सर, हमारी रिक्वेस्ट थी। हाँ, पीसफुली तरीके से करने की कोशिश की थी, कोशिश करी थी, हमने नहीं करा। जब हमने बिल्कुल पीसफुली तरीके से, हमने पहले टीचर्स को बोला, सर हमारी बात सुनो, हमारी पहले सीआर ने बोला सर हम ऑनलाइन चाहते हैं एग्जाम, ऑनलाइन नहीं माना। उसके बाद हमने DSW को नोटिस दिया कि सर हम ऑनलाइन चाहते हैं, नहीं माना। JSX की CRs की मीटिंग करवाई, उसमें बोला कि ऑनलाइन चाहते हैं हम, उसमें ऑनलाइन नहीं करवाए। उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी से इतना कहा था, सर जो बच्चे हैं वो सिर्फ YMCA के नहीं हैं, एफिलेटेड कॉलेज के भी हैं, और हम 22 तारीख तक मैक्सिमम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद हम नहीं कर सकते बच्चों को कंट्रोल। क्योंकि बच्चों ने बोल दिया था, बच्चे 17 तारीख को जिस दिन नोटिस आया था उसी दिन प्रोटेस्ट करने के लिए कह रहे थे। हमने इनसे कहा है कि सर हमें एक वीक का टाइम दो, बच्चों से हमने कहा है कि हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी में, हमें एक वीक का टाइम दो, लेकिन बात करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये प्रोटेस्ट आज सुबह से यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, इसका कोई फायदा नहीं हो रहा और किसी भी चीज़ का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। कॉलेज कह रहा है कि बस आप दबाव बनाओ, आप हरियाणा सरकार पे दबाओ। अरे हम कैसे दबाव बनाएं, आप बात करो। आपसे कहा जा रहा है कि आप जाओ हरियाणा सरकार, हमसे सीधा ये बोला आप गवर्नर के पास क्यों नहीं जा रहे? हमसे कहा जा रहा है राज्यपाल के पास जाओ। बच्चे ये सारे राज्यपाल के पास जाएंगे, कोई कहीं से आए कोई कहीं से आए, वो कैसे जाएंगे? जब वो आपकी नहीं सुन रहे तो हमारी कहाँ सुन लेंगे? राज्यपाल, अच्छा एक सवाल मेरा ये कि इस यूनिवर्सिटी में अलग अलग प्रदेशों के बच्चे भी? सर मेन बात यही है। सर 15 दिन बाद एग्जाम है, यूनिवर्सिटी के पास रहने की जगह नहीं है। यूनिवर्सिटी आपको रहने की जगह, ये हॉस्टल देख रहा कितना खंडर हो चुका है, इसमें बच्चों की जान के साथ खेला जा रहा है, इसमें रहने की जगह नहीं है। ये हॉस्टल के टूटने के नोटिस आ चुके, अभी तक ये टूटा नहीं है, दोबारा बना नहीं है। टीचर्स के लिए ये बिल्डिंग बनाई, बच्चों का नहीं सोच सकते थे? बच्चों अगर आज आपके पास रहने की जगह होती, ये बाउंडर होता क्या? नहीं होता ये बाउंडर। हम कह रहे हैं हम देंगे ऑफलाइन एग्जाम, लेकिन सेमेस्टर को शुरू से ऑफलाइन करो, शुरू से आप ऑफलाइन क्लासेस लगाओ, हम ऑफलाइन एग्जाम देंगे। एक सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, देखो इतनी प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे साइकिल बैठे, ये स्टाफ साइकिल चला रहा है, सारा का सारा स्टाफ साइकिल चला रहा है, देखो
स्टाफ साइकिल चला रहा है, बच्चों से बात ना करने ना रहे, वहाँ पर अपना दिखा रहे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बच्चे यहाँ दुखी हो कुछ भी करें, अपने कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर के हाथ में लेंगे, बच्चे लॉ एंड ऑर्डर हाथ में हाथ में लेंगे लेंगे जब कोई सुनेगा नहीं। तो बातचीत का जो माध्यम है वो अपनाया नहीं गया, साइकिल चला रहे हैं आपके सामने, साइकिल चला रहे हैं यहाँ पर बात करने के लिए, लोग बात करने नहीं आया, साइकिल चला के दिखा रहे हैं हमें सामने। अच्छा, आप लोगों ने, मैंने अभी पूछा है तो दूसरे लोगों से, उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन है, तो आप लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की? स्टूडेंट यूनियन अपने वो जीरो, वो कॉलेज कॉलेज की बनाई हुई है, तो कॉलेज के खिलाफ कैसे आ सकती है, वो कॉलेज को समर्थन देते हैं, उन्होंने कॉलेज से बात की, स्ट्राइक होने से मना करा बच्चों से कि स्ट्राइक मत करो मत करो मत करो, वो स्टूडेंट कॉलेज की स्टूडेंट यूनियन है, वो कॉलेज की। देखो मेन बात मैं बताऊँ आपको, मेन बात है जो जो सारा सारा कॉलेज है, यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई क्यों नहीं हुई, ऑफलाइन क्यों नहीं हुई, क्योंकि कभी CM आ रहा है, कभी राज्यपाल आ रहा है, कॉलेज का कॉलेज नहीं है ये, सेमिनार हॉल है, कभी मूलचंद शर्मा जी, कभी CM आ रहा है, खट्टर एक हफ्ते के लिए छुट्टी होगी, CM खट्टर आ रहा था, राज्यपाल जी आ रहे थे एक हफ्ते की छुट्टी होगी, इन पर टाइम ही नहीं है पढ़ाने के लिए। अब पेपर आ गए तो ऑफलाइन, ऑनलाइन क्यों नहीं, जब पढ़ाई ऑनलाइन तो पेपर ऑनलाइन। तो आप लोगों ने अब रणनीति क्या बनाई, आगे क्या करना? तो हमारी रणनीति है जब तक ये हमें लिखत में ना दें, जब तक हम उठने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आप लोगों ने कहीं से किसी तरीके की कोई बातचीत की है, कहीं से हेल्प लेने की? देखो रजिस्ट्रार आया था, रजिस्ट्रार से हमने बोला कि हमारी ये मुद्दा है, चला गया, अब देखो आपके सामने साइकिल चला रहे हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं, और भी लोग हैं उनसे भी मैं बात करता हूँ, ये पीछे सब बैनर लेके खड़े हैं, और इनसे भी बात करता हूँ। क्या मांग है आपकी, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है ऑनलाइन एग्जाम, ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले रहा, ऑफलाइन एग्जाम का नोटिस निकाल दिया, और हमारी पूरी क्लास ऑफलाइन चली है अगस्त से, एक बार भी नहीं बोला कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, ये ऑनलाइन क्लास ले रहा तो एग्जाम भी ऑनलाइन होना चाहिए ना। क्या नाम हो आपका? जयरेश। कैसे देख रहे हैं आप इस मामले को? आप लोगों ने जब इतना प्रोटेस्ट किया तो किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स आया? सर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया इनकी तरफ से, सर 10 दिन पहले नोटिस निकाल दिया, बाकी हम ऑनलाइन के यहाँ पर स्टूडेंट्स की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, हमें मेंटली फिजिकली हर तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, हमें ह्यूमिलेट किया जा रहा है, ये सिर्फ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है हमारी तरफ से। तो हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम होने चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। चलिए और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी हमारा यही डिमांड रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन एग्जाम ले जल्दी से जल्दी, क्योंकि नोटिस 15 से भी कम दिन पहले आया है सर, और लास्ट क्लास हमारी 30 नवंबर को है, जो कि बहुत कम है, हम वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, हमारी यूनिट्स खत्म नहीं हुई है, हमारे 8-8 यूनिट है जिसमें से 3-3 यूनिट कम्प्लीट हुए हैं, वो भी पूरी तरीके से नहीं। मेरा यही कहना है कि इस सेम को ऑनलाइन मोड में एग्जाम करें, और जल्दी से जल्दी ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने के लिए अलाउ करें। यस सर। और अच्छा, आप लोगों का जो पिछला सेमेस्टर था वो ऑफलाइन ही चला? ऑफलाइन ही था। ये तो ये थी सारी बातें, इनका जो पिछला सेमेस्टर है वो ऑफलाइन जो क्लासेस हुई है, लेकिन अब जो यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है कि एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन लिए जाएंगे, जिसके बाद स्टूडेंट में हड़कंप मच गया है, और वो लोग लगातार इस बात का जो है विरोध कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ किस तरीके से ऑफलाइन लेक्चर लेकर के ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात कर सकती है। तो ये इनकी मांग है पूरी कि यूनिवर्सिटी अपने इस कदम से पीछे हटे। तो ये सारी मांगे आई, हम बाहर जाकर के भी स्टूडेंट जो बाहर खड़े उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, और भी स्टूडेंट हैं हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए। जिस तरीके से यहाँ पे बवाल मचा हुआ है, अभी हम जो YMCA यूनिवर्सिटीज़ है, यूनिवर्सिटी वहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर जो ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन आया यूनिवर्सिटी की ओर से, उसके बाद स्टूडेंट जो है उससे नाराज़ है, क्योंकि जो इनकी क्लासेज हैं वो ऑफलाइन चली थी। इसी मुद्दे पर बात करते हैं इनसे। क्या नाम हो आप? माधव रावत, ABUP से हैं हम लोग। ABUP से? तो आप तो स्टूडेंट यूनियन से, आप लोगों ने क्या किया? देखिए हम लोगों ने पहले ज्ञापन भी दिए थे इसके ऊपर, और अभी हम लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इससे पहले 4 से 5 दिन पहले भी हम लोग एक अल्टीमेटम दे के गए थे यहाँ पर, इन्होंने 22 से 23 तक का टाइम दिया था, लेकिन फिर भी इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, और अभी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए जो है इन्होंने एक फरमान जारी कर दिया, और 10 दिन का समय दिया सिर्फ इन्होंने। आप किस पद पर है? ए बी अभी मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और फरीदाबाद और पलवल का विभाग संयोजक। अभी मेरी बात हो रही थी अंदर स्टूडेंट से, तो उन्होंने कहा कि स्टूडेंट यूनियन का जो समर्थन है वो इनको नहीं मिला। देखिए वो छात्र संघ है, हम लोग छात्र संगठन है, उनमें और हमें डिफरेंस है। आप इसी यूनिवर्सिटी? नहीं, मैं मानव यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हूँ जी।
तो आप इस मुद्दे पर क्या इनके साथ? अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर सत्युग दर्शन कॉलेज चाह रखे हैं, एकलोन कॉलेज चाह रखे हैं, अरावली कॉलेज चाह रखे हैं, पलवल एनजीएफ कॉलेज चाह रखे हैं, यहाँ पर जितने भी इस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जो कॉलेज हैं उसके विद्यार्थी यहाँ पर आ रखे हैं। आसपास की यूनिवर्सिटीज़ में जो एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं वो किस मोड में? देखिए जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ऑनलाइन माध्यम से लिए जा रहे हैं, परंतु एमडी यूनिवर्सिटी होगी उन्होंने अभी क्या, हम लोगों ने पूरे हरियाणा में एक डिमांड रखी थी कि सारी क्लासेस ऑफलाइन कर दी जाएँ ताकि ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने में परेशानी ना आए, परंतु सरकार ने हमारी मांग पूरी नहीं करी और ऑनलाइन एक क्लास चलाते रहे। अब विद्यार्थियों का विरोध है कि ऑनलाइन एक क्लास होने के बावजूद ऑफलाइन एग्ज़ाम क्यों, अगर ऑनलाइन क्लास लिए तो ऑनलाइन एग्ज़ाम लें, ऑफलाइन अगर एग्ज़ाम लेने तो ऑफलाइन क्लास लेते ना, हम लोगों ने तो बहुत टाइम से कह रहे हैं हम लोग, लेकिन क्यों नहीं मांगी इन्होंने हमारी बात। चलिए तो ये विरोध तो हो ही रहा है और यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम हुआ? कनिका। कैसे देख रही हैं आप इस मुद्दे? इसी यूनिवर्सिटी? नहीं, मैं दूसरी यूनिवर्सिटी से हूँ। तो आप ये जो है स्टूडेंट वो दूसरी यूनिवर्सिटी से, यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि इनके मुद्दे जो सॉल्व हैं वो तो एडमिनिस्ट्रेशन ही करेगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इनसे किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं हुई है अब तक। क्या नाम हुआ भाई आपका? पेपर भैया ऑफलाइन कराए जा रहे हैं, हमें नोटिस दिया नहीं गया था और अब ऑनलाइन की मांग कर रहे हैं हमारे। क्या आप लोगों ने क्या सोचा? आपकी मांग तो सुनी नहीं जा रही। अभी सुना नहीं, अभी बात चल रही है अंदर, बच्चे लेकिन मान नहीं रहे हैं बच्चे हमारे। कौन बात कर रहे हैं? हमारे साथ के बच्चे हैं, वो दो तीन बच्चे गए हुए हैं अंदर। वो स्टूडेंट यूनियन के हैं या सिर्फ नॉर्मल स्टूडेंट? स्टूडेंट भी हैं और बाहर के एफिलिएटेड कॉलेज के भी हैं। मेरी बात हुई तो वो तो बोल रहे हैं कि स्टूडेंट यूनियन के जो लोग हैं वो आपके समर्थन? अभी हम जब तक होगा नहीं हम तक यहीं खड़े रहेंगे, जब तक होगा नहीं हम यहीं खड़े रहेंगे। चलिए तो लगातार नाराजगी आप देख रहे हैं। क्या नाम हुआ? प्रथम। कैसे देख रहे हैं आप इस मुद्दे को? मैं ऑनलाइन क्लासेस, हमारी जब क्लासेस ऑनलाइन ली गई है तो हमारे एग्जाम भी ऑनलाइन होने चाहिए। आप अचानक आके कहते हो ऑफलाइन करो, फिर ना कॉलेज खोल रहे हो, कहते हो हमारे पास नोटिस नहीं है, ये गलत है ना। ऑनलाइन कर दो, अगला सेमेस्टर ऑफलाइन करना। ये कौन सा सेमेस्टर? हमारा थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर कौन से फैकल्टी? फैकल्टी हम सी एस से हैं, बी टेक। लगभग बच्चों से मेरी बात हुई है वो बी टेक फैकल्टी के ही हैं। क्या नाम? हाँ जी, मेरा नाम आदर्श है, मैं रावली कॉलेज से आया हूँ। और अपन लोग को ये बताया गया था कि ऑफलाइन क्लास चल रही है, अब दो महीने पहले लोग बता रहे कि ऑफलाइन पेपर हो जाएगा, डेट शीट जारी कर दी, रोल नंबर जारी कर दिया। दो महीने पहले जबकि ये रूल है कि छः महीने लगते हैं एक सेमेस्टर होने में, और ये लोग दो महीने में ऑनलाइन लगे बोल रहे हैं कि हम लोग ऑफलाइन करेंगे, ये क्या मतलब होता है? नोटिफिकेशन आई है हमारे पास, दो महीने पहले ये आया कि ऑफलाइन पेपर होगा। दो महीने पढ़ा के और कौन सा ऑफलाइन पेपर हो जाता है बताइए आप? तो अभी हुआ है, अगस्त से सेमेस्टर स्टार्ट होता है, अब इसके अब तक ऑनलाइन क्लासेस हुई है, ये ऑफलाइन कैसे करवा रहे हैं भाई ये बता दें हमें। ऑफलाइन ही क्लास करवाए, अगर से ऑफलाइन क्लास होती हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम ऑफलाइन ही दे लेते। ऑनलाइन ये क्लास करवा रहे, ऑफलाइन ये पेपर करवा रहे, कमाई का पूरा साधन बना हुआ है। बैस के 7800 रुपए यूनिवर्सिटी चार्ज ले लेते, अरे ऐसे आ जाते हैं क्या? ये आप लोग जिस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपकी बात सुनी जा रही है अंदर? अच्छी कद्दू भी ना सुनी जा रही, ये सुन ले तो फिर रोने क्या बात के है? कैसे अगली रणनीति क्या होगी, आप क्या करें? लग तो गेट तोड़ने की रही है हमें। सुनने की तो भगत सिंह की भी नहीं सुनी थी, लेकिन माना तो लोगों का गया था ना, वैसे यहाँ सारे भगत सिंह है, सिर्फ दिले भगत सिंह नहीं है। भगत सिंह यहाँ भी है, साथ एकता। आप लोगों ने कहीं ज्ञापन दिया है? बिल्कुल दिया है सर हमने, पूरे ऑनलाइन सोशल मीडिया पे चल रहे हमारे विज्ञापन। अंदर आप लोगों ने जब इस तरीके का नोटिफिकेशन आया आपके पास, अरे उन्हें एग्जाम्स होंगे तो आप लोगों ने ये कोई एप्लीकेशन कितनी डाल रखी है, मेल कर रखे हैं, ट्विटर अकाउंट बना रखे हैं। कह रहा हूँ कि ऑनलाइन बहुत मेल्स डाल रखे हैं, पूरी 1000 से ज्यादा मेल जा रखे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस तरीके की सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ जी, अभी कॉलेज भी नहीं खुले हैं और उससे पहले ऑनलाइन क्लासेस का नोटिफिकेशन आ गया था कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, फिर भी एक भी दिन आपकी ऑफलाइन क्लास नहीं हुई है। अभी 22 तारीख को नोटिफिकेशन आया था कि ऑफलाइन क्लासेस चालू हो रही हैं, उससे पहले इन्होंने ऑफलाइन पेपर का बोल दिया है। अच्छा, ऑफलाइन क्लासेस का जो नोटिफिकेशन आया और एग्ज़ाम का, दोनों में से पहला नोटिफिकेशन? पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया, उसके बाद ऑफलाइन क्लासेस का आया है। ऑफलाइन क्लासेस बाद में चालू हो रही हैं, पेपर का नोटिफिकेशन आने से बाद में। नॉर्मल सी बात है, अगर ऑनलाइन क्लासेस हुई है
ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं तो ऑनलाइन पेपर ही होना चाहिए ना। अगस्त से अभी तक ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, तुम ऑफलाइन क्यों दे दे, ऑनलाइन ही देंगे, ऑफलाइन करा देते हम, ऑफलाइन ही दे देते, बात समझ लो। अब इनके हालात ठीक लग रहे तो हमने कॉलेज को प्रशासन को पहले भी बोला था कि ऑफलाइन क्लासेस ले लीजिए हमारी, अब नॉर्मल कंडीशंस आने लगी हैं, जब मना कर दिया था और अब ऑफलाइन क्लासेस के लिए हमारे पास आ रहे हैं कि ऑफलाइन एग्जाम ले लो। सिर्फ 10 दिन में ऑफलाइन क्लासेस लेके कौन एग्जाम दे देगा? चलिए, मतलब 10 दिन का वक्त है ऑफलाइन क्लास? हाँ जी, सिर्फ 10 दिन का टाइम है और हमारे इतने में तो सिलेबस पूरा भी नहीं होता है, अभी टीचरों के सिलेबस पूरे नहीं हुए, एग्जाम कैसे दे देंगे बच्चे? ऑनलाइन क्लासेस में आपके सिलेबस कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ सिलेबस। कैसे एग्जाम? वही तो सारा वो है, इसीलिए तो हम ऑनलाइन के लिए कह रहे हैं। अगर ये रिटर्न में कराते, न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए प्रैक्टिस लगती है, प्रैक्टिस पूरे पूरे सेमेस्टर चलती है, ये 10 दिन में हम पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराएंगे क्या? अब आप ही बताओ कैसे देंगे हम वो जितने भी टेक्निकल हमारे सब्जेक्ट है। ज्यादातर बच्चे किस बीटेक के स्टूडेंट है, अधिकतर बच्चे सब इंजीनियरिंग कॉलेज है, सब बीटेक के स्टूडेंट्स है। अब हम न्यूमेरिकल्स के जितने भी सब्जेक्ट है उन्हें कैसे रिकवर करेंगे? और एक बार अगर बैक आ गई, अब समय 7th सेमेस्टर के हम स्टूडेंट हैं, अगर अभी हमारा क्लियर हो जाएगा फिर फाइनल ईयर है, फिर हमें जॉब भी करनी है, ये तो बैक डाल के हमें। कौन से सेमेस्टर में? 7th सेमेस्टर में, 7th सेमेस्टर में। अगर अभी हमारी बैक आ जाती है तो हमारा तो गया, कैसे हम जॉब करेंगे, काम इंटर्न करेंगे, इसी में ही रह जाएंगे हम तो। ये लगातार परेशानी है, देखिए बैठ गए हैं स्टूडेंट यहाँ पर, हालांकि इनकी मांग जो है वो माने नहीं जा रही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है यूनिवर्सिटी का उसकी ओर से, फिर भी लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सुबह ही से यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैंने लगभग लोगों से बात की है, समस्या वही है कि जब ऑनलाइन क्लासेस हुए थे तो ऑफलाइन जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की ओर से क्यों जारी किया गया है। हालांकि इन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करने की कोशिश की है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से किसी तरह का जो रुझान है वो पॉजिटिव वे में नहीं आया है। तो देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। स्टूडेंट तो लगातार इस प्रोटेस्ट पर बने हुए हैं, तो देखने वाली बात ये होगी कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से इस मुद्दे को हल करता है। स्टूडेंट जो है इस तरफ का जो गेट है उस पर ताला लगा ताकि इनका प्रदर्शन जो है वो सफल हो सके। मैं आपको दिखाता हूँ कैमरे के जरिए, इन्होंने ताला लगाया है यहाँ पर। क्या कर रहे हैं आप सर? यूनिवर्सिटी ये गेट खोल के वो गेट बंद है, तो ये गेट तो लगाना पड़ेगा। ये ताला लगा रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट्स आना जाना कर रहे हैं यहाँ से उनको बाधा हो, इनका जो प्रदर्शन है वो सफल हो किसी तरीके से। इसी विषय में यहाँ पर ये लोग पहुँचे हैं, स्टूडेंट हैं ये, और यहाँ पे ताला लगा रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट आना जाना कर रहे हैं लगातार उनके आने जाने पहुँचे और ये जो इनका प्रदर्शन है वो किस तरीके से सफल हो पाए। भीड़ जो है आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं इस तरफ से लेकर के इस तरफ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर भीड़ ही भीड़ है और लगभग स्टूडेंट यहाँ पर जमा है इस नोटिफिकेशन के विरोध में जो यूनिवर्सिटी की ओर से निकाला गया है ऑफलाइन एग्ज़ाम का। तो फिलहाल के लिए इतना ही, हालाँकि इसकी मांग जो है वो मानी जाएगी कि नहीं यूनिवर्सिटी की ओर से, वो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, ये थी एक खास रिपोर्ट। कैमरामैन हफीज़ के साथ मैं अब्रारुल हक रहमानी, YMCA यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद, NCR समाचार।